गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं HP के 0813 ऑल इन वन PC की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये ऑल इन वन PC 0813 का बॉक्स है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये साइड में इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका मॉडल क्या है, इसकी रैम, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये सारी जानकारी दी हुई है। तो आइए इसको जो है हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए कोई हमें खोलने के लिए कोई औजार चाहिए, तो सीजर है मेरे पास, सीजर से मैं इसको खोलता हूँ। तो ये हो गया आपका जो है सीजर से मैंने इसको जो है ओपन कर लिया है। अब इसको मैं खोल के देखता हूँ। लगता है साइड से अभी थोड़ा सा टेप लगी हुई है, इसको भी मैं यहाँ से जो है कट कर देता हूँ। ये कट कर दी, शायद इस तरफ भी है तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो ये है पहला लुक HP के 0813 PC का, आप देख सकते हैं। इसमें दो बॉक्सेस हैं, ये पहला बॉक्स है, देख सकते हैं। इसमें एक और बॉक्स है जो मुझे दिख रहा है यहाँ से, उसको मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। उससे पहले ये जो साइड में जो प्रोटेक्शन है, ये फोम है, इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि जो बॉक्स है अंदर वो आसानी से निकल सके। तो ये लुक आप देख सकते हैं, ये बैक साइड है और ये दूसरा बॉक्स है जो इसमें दिया गया है। अब इसके अंदर क्या है ये तो हम इसको खोल के ही पता लगा पाएंगे। तो ये बैक साइड है और यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा होगा जो ब्लैक कलर का डॉट टाइप है, ये इसका कैमरा है। इसको मैं घुमा लेता हूँ आपकी ओर। चलिए इसको निकालते हैं। थोड़ा सा नीचे से लगता है और सपोर्ट दी हुई है इसको, थोड़ा सा निकालने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। लगता है साइड में कार्डबोर्ड जो हैंडल है उसके पोर्शन अंदर की तरफ है, इसको बाहर कर देते हैं। अब ये आसानी से निकल जाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। निकालते हैं, ये रहा आपका HP 0813 ऑल इन वन PC। ये लीजिए, मैंने इसको PC को जो है निकाल कर बॉक्स से टेबल पर रख लिया है। अब इसमें देखते हैं ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें क्या है, इनको ओपन करते हैं एक एक करके। तो ये पहला बॉक्स मैंने उठाया है, देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। बहुत अच्छी पैकिंग है, खोलने में थोड़ी सी जो है देर लग रही है क्योंकि बॉक्सिंग जो इसका पैक है बहुत बढ़िया पैक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आसानी से खुल जाए। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है जो इसके अंदर मटेरियल दिया हुआ है, जो भी आइटम्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो इसको खोल लेते हैं। तो इसके अंदर दिया हुआ है कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और माउस। ये देखिए माउस HP की ब्रांडिंग के साथ, बहुत ही सुंदर माउस है ये और वायरलेस है। अब हम देख लेते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड भी बहुत ही हैवी और प्रीमियम है, इतना हैवी नहीं लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कीबोर्ड्स ये जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा हैवी है क्योंकि क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी। और साथ में ये ब्लूटूथ दिया हुआ है जिससे कि ये वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस दोनों ऑपरेट होते हैं ब्लूटूथ से। तो इस बॉक्स में तो कुछ और नहीं है, इसको हम साइड में रख देते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं पहले। अब देखते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड का जो ये पोलोथीन है इसको हटा लेते हैं, बाहर निकालते हैं इसको। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में, प्रीमियम है। और ये माउस है, इसको
इसको भी हम पॉलीथीन से बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें ये बैटरीज़ दी गई हैं, दो बैटरीज़ जो हैं माउस के लिए हैं, दो बैटरीज़ आपके कीबोर्ड के लिए हैं। तो ये मैंने माउस खोल लिया है, इसमें बैटरीज़ लगा लेते हैं, दो बैटरीज़ इसमें लगेंगी। ये सिंपली खुल जाता है, इसमें कोई नट वगैरह या स्क्रू वगैरह नहीं है, सिंपली आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ऊपर की ओर तो ही खुल जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये बैटरीज़ इसमें लगानी है, सिंपली जैसे हम किसी और डिवाइस में लगाते हैं बैटरीज़, हमारे रिमोट कंट्रोल में जैसे लगाते हैं, सेम साइज़ बैटरी हैं ये। और सबसे अच्छी बात है ये ड्यूरासेल की बैटरी हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी की हैं। तो ये थोड़ा सा फिट होने में टाइम लग रहा है, इसको दोबारा ओपन करके मैं देख लेता हूँ कहाँ पे अड़चन आ रही है। हाँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था, तो इसको दोबारा बंद करता हूँ। तो इस बार बंद हो गया है, ये फिट हो गया है। अब मैं कीबोर्ड में जो है बैटरीज लगा लेता हूँ, कीबोर्ड में पीछे मिडल पार्ट में इसमें जो दिया हुआ है बैटरीज लगाने का जो सॉकेट है, ये बैटरीज निकाल लेता हूँ मैं। बैटरीज ये पॉलीथीन के अंदर है, पैक है, बहुत ही मोटी पॉलीथीन है इसकी, इसलिए निकलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं सीजर्स की हेल्प ले लेता हूँ, सीजर्स से मैं इसको काट लेता हूँ ताकि जल्दी खुल जाए। ये लीजिए बैटरीज पॉलीथीन से बाहर आ गई हैं, अब इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। ये इंसर्ट हो गई, इसको बंद कर देता हूँ मैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है इसके अंदर। तो ये आपका कीबोर्ड और माउस दोनों तैयार हो गए हैं। अब ये दूसरा बॉक्स जो मैंने आपको बताया था, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर ये है एडेप्टर, जिससे हम जो है इसको पावर से कनेक्ट करेंगे। ये अडेप्टर वैसा ही है जैसे हमारे लैपटॉप के साथ आता है, और ये मैनुअल है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसको पावर केबल को अडेप्टर के साथ में अटैच करना होगा, जैसे हम लैपटॉप के अडेप्टर में करते हैं, सेम वैसा ही मैकेनिज्म है इसका, कोई अलग नहीं है। तो इसमें ये कनेक्ट हो गया, जैसे हम लैपटॉप के अडेप्टर में इसको कनेक्ट करते हैं, ये पावर प्लग में लग जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला जो है पावर में लगेगा, और ये जो एंड है ये पीसी के बैक साइड में लगेगा। इसमें ये पीछे लग गया इसके पीसी के, और ये वाला जो एंड है ये पावर में लग जाएगा। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने पावर केबल जो है लगा दी है सॉकेट में, और अब इस तरीके से देखिए कितना नीट एंड क्लीन आपका पीसी है, इसमें कोई वायर का झंझट नहीं है। और ये मैंने इसको ऑन कर दिया है, इसका जो बटन है ऑन ऑफ का वो बैक साइड में दिया हुआ है, और ऑन करने के बाद ये एक आपको राइट साइड में नीचे की ओर आपको एक लाइट दिख रही होगी वाइट कलर की, तो ये ऑन हो जाती है, इससे पता लगता है कि ये ऑन हो गया है। तो ये अभी सेटअप हो रहा है, जो पहली बार हम कोई पीसी या लैपटॉप लेते हैं तो वो सेटअप होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको उसमें प्रोवाइड करनी होती है, कुछ पासवर्ड्स हम वो सेट करने होते हैं। तो जैसे जैसे आपको जो पीसी इंस्ट्रक्ट करेगा तो आपको वो जो है इनपुट्स देने हैं, उसके आधार पर ये सेटअप हो जाएगा। और ये पूरा सेटअप होने में अराउंड 25 to 30 minutes लग जाते हैं। तो अभी मैं इसको जो है स्किप करूँगा इन प्रोसेसेस को, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर इसको करेंगे तो कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा। तो मैं इसको जो है आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा। तो जब तक ये कंप्यूटर जो है सेटअप होता है, बूट होता है, तब तक मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो कलर है वो नेचुरल सिल्वर है, और इसकी जो स्क्रीन साइज़ है 23.8 साइज़ है इसका, स्लिम है ये जो मॉनिटर है, और तीन साइड से बॉर्डरलेस डिस्प्ले है। अगर हम
इसके सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है और इसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडो 10 होम दिया गया है। 8GB इसकी जो रैम है, SD रैम जिसे बोलते हैं, 256GB SSD जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, 1TB हार्ड ड्राइव दिया हुआ है इसमें, इंटेल USD ग्राफिक्स दिए हुए हैं और इसका जो वेट है वो 7.71 kg है, 7.71 kg। और ये जो है फुल HD है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि ये टच स्क्रीन नहीं है। कुछ मेरे दोस्तों को जो है ये कन्फ्यूज़न रहती है कि टच स्क्रीन है कि नहीं है, तो ये टच स्क्रीन नहीं है। दूसरा, इसमें केवल एक ही केबल दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अडेप्टर के साथ कनेक्ट होके पावर प्लग में लग जाती है। और जो इसका CPU है, CPU अलग से नहीं है। ये भी एक जो है क्वेरी रहती है हमारे दोस्तों की कि इसमें CPU है कि नहीं अलग से, तो इसमें CPU नहीं है, ये इनबिल्ट है मॉनिटर में ही। और बड़ा स्लीक है, बहुत ही स्लिम है, ऐसा नहीं है कि बहुत बल्की लगता है देखने में। तो CPU जो है इसका वो इनबिल्ट है मॉनिटर में ही और मॉनिटर बहुत ही स्लिम है। देन अगर हम पावर बैकअप की बात करें तो इसमें पावर बैकअप नहीं है। अगर आप पावर बैकअप चाहते हैं तो आपको UPS जो है लगाना होगा। अगर आपके पास 24 आवर्स जो है पावर सप्लाई अवेलेबल है तो आप, ये ऑप्शनल आपके लिए, अगर बिजली फ्रिक्वेंटली जाती है आपके यहाँ तो आप UPS लगा सकते हैं। और इसमें एक वेबकैम भी दिया हुआ है जो कि ऊपर की साइड दिया हुआ है, बैक साइड में। उसको जब हम ऊपर की ओर पुल करेंगे तो ऑन हो जाता है और नीचे प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। और इसके वेबकैम के बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो कि आप चैनल में जाकर जो है देख सकते हैं। देन इसमें प्री इंस्टॉल्ड एलेक्सा भी दिया हुआ है, ये फैसिलिटी भी है। तो अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये क्रोमा से ऑनलाइन परचेज किया है और इसकी जो प्राइस थी उस वक्त 65,000 rupees थी। लेकिन मैं आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पर कि जब भी आप क्रोमा से परचेज़ करते हैं या किसी और वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते रहते हैं। तो खासकर क्रोमा में जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी कार्ड पर, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर कोई ना कोई ऑफ़र होता है 5% का या उससे ज़्यादा। तो मेरे पास HDFC कार्ड था और फ्राइडे के दिन जो है HDFC पर 5,000 से ज़्यादा की जब आप शॉपिंग करते हैं तो 5% का कैशबैक देते हैं, अप टू 2,000 rupees। तो इस पर जो कैशबैक था वो 2,000 से ज़्यादा बन रहा था, तो मुझे 2,000 का कैशबैक मिल गया। और इस प्रकार से मुझे जो है ये जो PC है 63,000 rupees का मिल गया। तो अगर आप भी इसको खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्रोमा की वेबसाइट पर जाके आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है। तो हर दिन किसी न किसी क्रेडिट कार्ड पर जो है ऑफ़र रहता है, तो आप ऑफ़र चेक कर सकते हैं और इस प्रकार से आप जो है 2,000 rupees तक का जो है कैशबैक पा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपको देना चाहता था और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।